आपको अहम खबर देंगे। लाहौर हाईकोर्ट से जहां पर तिलोर के शिकार के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई और पंजाब हुकूमत ने काबीना की मंजूरी की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। आपको बताएं लाहौर हाईकोर्ट में जहां पर तिलोर के शिकार के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई, इसकी तफसीलात जानेंगे मियां दाऊद से। जी मियां दाऊद बताइएगा। जी लाहौर हाईकोर्ट ने तिलोर के शिकार के खिलाफ दरखास्तों पर मजीद समाअत जो है वो 10 फरवरी तक मुलतवी की है और तिलोर की अफजाइश के ऊपर मुल्की और गैर मुल्की अदारों से रिपोर्ट जो है वो तलब की है। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने तिलोर के शिकार के खिलाफ दरख्वास्त के ऊपर समाअत शुरू की तो पंजाब हुकूमत की तरफ से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अनवार हुसैन ने सुबाई काबीना की मंजूरी की रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाई। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अनवार हुसैन ने अदालत को बताया कि सुबाई काबीना ने तिलोर के शिकार की इजाजत दी है और इसके लिए 3 लाइसेंस जो है वो जारी किए हैं, जिसके तहत हर लाइसेंस होल्डर जो है वो 100 तिलोर के परिंदों का जो है वो शिकार कर सकता है। उन्होंने अदालत को बताया कि अभी तक 3 लाइसेंस होल्डर्स हैं, उन्होंने मजमूई तौर पर 147 तिलोर जो है उनके शिकार किए हैं, इसलिए अब इस दरख्वास्त को खारिज किया जाए। उन्होंने जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील सरदार कलीम यास एडवोकेट ने बताया कि काबीना की मंजूरी जो है वो लाइसेंस जारी करने के बाद ली गई है, इसलिए ये मंजूरी गैर कानूनी करार दी जाए। तहम पंजाब हुकूमत के वकील ने मौके पर क्या किया कि सूबाई काबीना की मंजूरी जो है वो उसका कानूनी जायजा उसके पहलुओं का लेने की वजह से ताखीर का शिकार हुई, लेकिन इसकी आईनी और कानूनी हैसियत के ऊपर अदालत की मुआमत की जाएगी। इस पर अदालत ने मजीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी की है और तिलोर की अफजाइश के हवाले से हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपने हमें आगाह किया।